इट्स ईदी टाइम, ईदी टाइम, हैंडसम हैंडसम, ये मेन इन ब्लैक हैं आप तो आज, रैंसम भी है हैंडसम भी है, आय हाय, ओफो ईद मुबारक, नहीं पहले ईद मुबारक बोलते हैं, ईद मुबारक, चले ईद मुबारक, कुछ प्रैक्टिकल काम बड़े जरूरी होते हैं जिंदगी के अंदर, ईद मुबारक मिलने से पहले शाबाश, नेक्स्ट, बहुत प्यारी ईद हो गई, बहुत प्यारी मीठी ईद हो गई, ये तो पागल लग रहा है, चलो ईद मुबारक, हमारे गले मिलते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, चलो अजान करके दिखा, नहीं ऐसे करते, थ्री टाइम्स करते हैं, ऐसे करते हैं, मैं तो तजुकी नहीं सकती, टू थ्री, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक कहते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं बेटा, इसको नहीं पकड़ते, प्लीज आप किसी मतलब प्लीज थोड़ा सा बिहेव करेंगे, दिस इज योर ईद, थैंक यू, थैंक यू, चलो ईद मुबारक, ईद मुबारक, माशाल्लाह, वी मिस हनी, वी मिस अलीजे, फैमिली इज नॉट कम्प्लीट, अब्बा इज मिसिंग, अम्मी इज मिसिंग, सबको मिस कर रहे हैं, टेलर से कपड़े आते हैं तो साथ में उसके आते हैं धागे, और वो धागे जो है सब भरे हुए हैं मेरे कपड़ों में, दुपट्टे सर लगे सर, अभी मैंने साफ किए सर, क्या करूँ, अच्छा सारा स्टाइल करा, मेरा जो वैसे जोड़ा है वो मैं थोड़ी देर में पहनूंगी, क्योंकि इट इज सो लाउड, हम लंच करने जा रहे हैं, लोग कहेंगे पता नहीं वलीमे से उठ के आ रही है अपने, तो फैसला लगा बहुत ब्राइट है, ईद मुबारक, सदा सुहागन, फूलो फूलो फटो, थैंक यू, इसमें लिखा है टू जान, जान क्यान अजान, वाह सब राइम करता है, और ईद ही मिली है मुझे एक करोड़ रुपए, इतने मजे का रिजॉर्ट, खूबसूरत जगह, वो सामने समंदर है, ये हमारा कॉटेज है, और मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगी कि हम घर से कॉटेज में कैसे शिफ्ट हो गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ईद की खुशियाँ दुबाला हो गई, नहीं जी हम दुबई में नहीं हैं, हम मॉरिशस में नहीं हैं, हम सेशल्स में नहीं हैं, हम पाकिस्तान कराची में हैं, और माशाल्लाह इतने खूबसूरत रिजॉर्ट पे फैसले में लेके आए हैं, क्यों बड़े गाने गा रहे हैं, खैरियत तो है, गाने गा रहे हैं बहुत लड़के, कैसे हुआ फैसल, बच्चा गाने गा रहा है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, कैसे हुआ, हाय मर गए, मैं तो मंदी बन गई, इसलिए मैं आपने एसी बंद कर दिया, पर्दे खोल दिए, सारा का सारा अंदर ना गर्म हो गया, मैं बहुत प्यारे में कपड़े पहने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसे ईद पे सब स्टाफ वगैरह जाते हैं छुट्टी पे, तो हमने कहा हमारी ईद कैसे होगी भाई, किचन में नहीं गुजारनी, तो हम आ गए कराची में ही एक स्पेशल जगह, फैसल ने सरप्राइज़ दिया, इतने मज़े के यहाँ हट्स हैं, और यहाँ हम इधर ठहरे हुए हैं, टू रूम्स हैं, डाइनिंग रूम है, और इतनी खूबसूरत जगह है वॉक के लिए, नहीं और जितना मैंने भड़कीला रेड पहना हुआ ना, ये भी आपकी सोच है, आज मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ खूबसूरत जगह ठहरे में, ला 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 ला, खूबसूरत हसीन व्यू, ये तो समंदर दिखाएं ना आपको, कहते हैं मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना, और अभी हमने फैमिली फोटोग्राफ्स करनी है जो हमने ईद के आज अभी फर्स्ट डे पोस्ट करनी है जल्दी से, इतना ब्यूटीफुल है बीच, जगह आपको भी दिखाती हूँ, सो नाइस, आइडियल जगह है फॉर पिक्चर्स, और नाजिया भी अभी आ रही है, हमारी फ्रेंड नाजिया एंड अंबर, क्या देखिए ये यहाँ पिक्चर्स के लिए आइडियल माहौल है, और ईद मिलने आई हैं दोस्तें, अजान हाउ आर यू, हाउ इज दिस ईद, I wanna see, like it so much. मैं तो ईदी के लिए मुझे ज़्यादा पसंद, लेकिन एक्चुअली आज मुझे बहुत पसंद आई,
जमीन राइट या और जब अजान फ्रेम में आ रहा होता है तो मेरा कट जाता है ना ये और जब अजान होता है मैं अपना करती हूँ तो अजान नहीं आता, ये बड़ा चक्कर है। तो कुछ फ्रेंड्स आई हैं आपको मिलाती हूँ जो हमें यहाँ रिजॉर्ट पे मिलने आई हैं, जिससे आपको साबित हो जाएगा कि हम कराची में ही हैं। लुक एट दैट, लुक द गर्ल्स आर हियर। ये देखिए यहाँ से ये जगह बिल्कुल बहुत कम टाइम है, पिक्चर्स ले लूँ, अंदर नहीं आना अभी, पिक्चर्स ले लें सब क्योंकि लाइट जा रही है। This is the best. अभी लाइट आ रही है। ओहो! व्लॉग के ऊपर व्लॉग, लुक एट मी। मुझे तो लग रहा वलीमा है। आई एम सो ब्राइट, मैं तो बिल्कुल वलीमे में हूं। अच्छी लग रही है माशाल्लाह। वेरी नाइस आई एम गुड। मैं तो इससे भी नहीं मुझे लेकिन मैं वलीमे वाली लग रही हूं। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आइए आइए रेड लिपस्टिक कहाँ गई आपकी? वो मैंने उतार दी, मैंने रेड लिपस्टिक लगाई। नहीं क्यों? नहीं क्यों? डाइन लग रही थी, डाइन। नहीं क्यों? मेरे पे रेड लिपस्टिक ऑन रेड ड्रेस वाज लुकिंग वेरी बैड। चेंज करके लाइट कलर कर दिया। मैं अच्छा लगा लाइट। रेड है ना? रेड नहीं आ रहा। कैसे तीन हो गए? मैं तो करती हूँ लेकिन व्यूज नहीं आते उसके, मुझे कोई व्यू नहीं देता। मैं आई मैं सबके प्लीज ना नहीं नहीं नाजिया कह रही है मेरा यूट्यूब चैनल है, व्यूज नहीं आते। आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या बताएं? नाजिया मलिक। नाजिया मलिक प्लीज सब्सक्राइब एंड गिव द व्यूज। मैं तो मुझे खुद भी नहीं पता। हां बेचारा बहुत मास। मुझे तो शर्म आती है। ये देखो कितने अच्छे मियां बेगम के लिए तैयारी। मेरे मियाँ ने भी किया जब हम अमेरिका गए तो मेरे मियाँ पूरा वक्त ये वीडियो बनाते बनाते फिर इन द एंड हमारे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। कहते हैं ये तुम मेरे साथ घूमने आई हो कि मुझे वीडियो वाला बना के लाई? ईद वाले दिन भी हम जिम नहीं छोड़ेंगे। अच्छी बात करेंगे, एक्सरसाइज करना। हाँ ईद मुबारक। ईद मुबारक एंड फिटनेस के लिए ईद मुबारक। और पहला इत्तेफाक है देखो नादिया और फैसल के साथ हम ईद मनाना है। वाकई आपकी मोहब्बत थी और हमारी मोहब्बत भी थी, आपके बुलावे पे हम आ गए। थैंक यू सो मच। यस कितना अच्छा लग रहा है। और हम अपने खुद घर आज छोड़ मुझे के लगा मेरी ईद हो रही है कि आपने आज मेरे मतलब का ड्रेस पहना है। मैं एग्जैक्टली कह रही हूं मतलब का ड्रेस मतलब का कलर। लेकिन एक बात है आप कहते हैं ना कुछ नादिया मान लेती है। सोच है थी कि वो रेड जोड़े में शादी की लग रही है। मुझे लग रहा है मैं तो पूरी वलीमे की दुल्हन। नहीं कोई दुल्हन नहीं, बिल्कुल अच्छा तुम दुल्हन नहीं है ना। और क्या। रेडी फॉर द स्टेज प्लीज। ओके जी रैंप वॉक है। ईद वाले दिन आपको बहुत शौक है कपड़े देखने का तो हम आपको कपड़े दिखाते हैं। रैंप वॉक नंबर वन आ रही है नादिया खान। मेरी शहनाज़ अली एंड जूते माय ओन जो भी जैसे ने लेके दिए थे पता नहीं ड्यून जूते इनके अपने हैं। जूते अपने हैं। ड्रेस बहुत प्यारा गिफ्ट फ्रॉम शहनाज़ अली। सो चले जी नंबर टू। ओके आई एम डन। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट मॉडल। दिस इज मी। आई एम वेयरिंग अनसब जहांगीर लेकिन मेरा अपना है, सब कुछ मेरा अपना है। अच्छा अब हम पीछे ना ऑडियंस। थैंक यू नंबर थ्री। थैंक यू नाजिया मलिक। और मेरा भी अपना जोड़ा, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगी, स्पॉन्सर नहीं किया मुझे किसी ने। हाँ जूते बताएं। जूते मेकअप। जूते क्लॉक के हैं। आप चलो कह दिया। आइए जी। और मेकअप नाजिया मलिक। ये मैं ये ब्रांड सब कुछ अपना। आइए ना अभी वॉक करके वहां। डॉक्टर साहब बिल्कुल। दिस इज मी डॉक्टर हेना। और ये ड्रेस डेफोडिल्स का है लेकिन मेरा अपना है। और देख सकते हैं जूते मेरे अपने हैं, एल्डो के हैं। हिना तुम्हारी पोनी किसने बनाई है? पोनी मैंने खुद बनाई है। और लिपस्टिक जो आज आप मेरी ये देख सकते हैं डार्क लिपस्टिक है, डार्क शेड, ये नाजिया मलिक ने लगाया हुआ है लिपस्टिक। देखिए दिस पोनी इज ब्रॉट टू यू बाय स्पेशल
Enterprise. And the lipstick shade on the lips is brought to by Nazia Malik. Nazia Malik Studio makeup के लिए और YouTube channel जिसका किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता था, उसको आप subscribe कर लें आप. इनकी शर्मिंदगी होती थी, किसी को पता ही नहीं था. सुनो हम दोस्त हो के हमें आज तक नहीं पता कि तुम्हारे YouTube channel है. ये क्या बात हुई, थोड़ा ऊंचा बोलते हैं. चैनल है तो बंदा शर्माए क्यों? हालांकि इतनी हम सबसे ज्यादा सोशल ये है, कोर्सेज कर रही है, मेकअप कर रही है, इतना प्यारा मेकअप करती है. आप देख सकते हैं मैं लिपस्टिक नहीं लगाती, अंधेरे में भी नजर आ रहा है, इतना अच्छा मेकअप. प्यारी लिपस्टिक लगाई है कि लिपस्टिक लगाते हैं पूरा फेस एकदम जगमगा. मुझे अकल मत देखो, मैंने 8 साल पहले 10 साल पहले बनाया था मेरी बेटी ने यूट्यूब चैनल, जब 11,000 सिर्फ थे. उसके बाद छोड़ दिया, पता नहीं था कैसे बनता है. फिर तुमने कहा अंबर करो, क्यों नहीं सीरियसली लेती हो? मैंने भी तुम्हें कहा था. और ये अंबर का मेकअप इतना प्यारा है ना, आप सोच है इतना बहुत अच्छा है, लव मेकअप. थैंक्स. और आप लोग मेरा भी छोटा सा यूट्यूब चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा. सब आज निकलते आ रहे हैं, वो मैंने कभी बना के छोड़ दिया, उसको अब बना लूंगी. सबका यूट्यूब हम उभरते सितारे. एंड आज की इस वीडियो जितनी भी व्लॉग है ये सक्सेस गोज टू जो इस बार देख रहे थे जबरदस्त जो हम लोगों ने हरकतें की हैं. और द क्रेडिट गोज टू फैसल भाई जो कि दो कैमरा है, मतलब नादिया का आउट स्टाइल नादिया खान एंड सोला सिंघार विद अमर खान, दो चल रहे हैं. और मासूम सा नादिया मलिक, मेरी गाल पे मच्छर बैठे हैं, प्लीज खुजाएं, इधर आएं. मच्छर आ गए, मच्छर आ गए, चलो जी आए बेटे. एक ये है और एक ये है. और ये चेक करें इफेक्ट कैसे आ रहा है मेरे लेफ्ट और राइट. ये है एक फरिश्ता, एक रिश्ता है. फैसल है ना, क्या तुम लोगों का वलीमा है? हमारा वलीमा हुआ नहीं तो ना, अभी कर लेते हैं है ना. नया ट्रेंड है, इसके साथ मैंने पिक्चर बनानी है. कैसी हैं आप? कैसी हैं आपको पोस्टर नहीं आपने देखा? पोस्टर मिस किया आपने, डॉक्टर साहब और अमरीन का जो है. आइए मैं आपको दिखाती हूँ गोल्डन 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 गोल्डन. ये है अंबर गोल्डन. नाजिया गोल्डन 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 बहुत ही प्यारा द गोल्डन गर्ल्स. दिस इज रशिया रशिया अल रशिया और आप अरबी एंड दिस इज दी अल तुर्किया पाकिस्तानी क्लॉथ्स. आई लाइक पाकिस्तानी क्लॉथ्स. पागल हो गई. एंड गर्ल्स गॉन क्रेजी क्रेजी. रानी आपको कुछ कुछ पागल कुछ पागल पागल से नहीं लग रही? एंड दिस इज क्रेजी गर्ल्स तुर्किया. क्या हमने कहा मैंने कहा इतना गोल्डन गोल्डन क्यों है? फोटोग्राफर नहीं, ये मेरा लव बैग है. मैं वो बस का कंडक्टर, अभी लोगों बस की चलो अंदर चलो बहन लालू खेत उतरो. औरंगी टाउन. नहीं मैं तो बस वाला हूँ, मैं लेके चल रहा हूँ कंडक्टर हूँ. मैं उतार के फेसबुक पर लोग उतरो यहाँ, चलो उतरो. यही तो हम सब चाहते हैं, यही तो हम चाहते हैं. ऐसी बात करो कि वीडियो वायरल हो जाए, राना वायरल हो जाए. मगर आपने जितने अच्छे काम से वायरल हुई है ना, आप तो अच्छे काम से हुई है माशाल्लाह. मैं अच्छे काम हमेशा से है ना माशाल्लाह. अब जो ड्रामे के रिव्यूज हैं आती रहा करें टीवी पे, ये बेस्ट है. आती रहा करें हमेशा, आती रहा. कम कम आओ और ज्यादा ज्यादा बोलो. नहीं नहीं, आई रियली वांट कि आप आए और फिल्में भी ना करिएगा, कोई फायदा नहीं है. ड्रामे करें तो बात अच्छी चीज जो है ना, नादिया हमेशा सेलेक्ट करती आई है. मैंने हर चीज नहीं. और ये मैं कहता हूं मनु रावा को, मनु बलोच को, कि प्लीज आप टीवी मत छोड़िएगा. हां तो थोड़ी देर से बात आते रहे यार. आप लोग बाकी आप लोग क्या मजेदार लोग हैं. मुझे बता रहा ना, इस दफा रमजान में सहूर पार्टीज और ये सहूर गैदरिंग्स बहुत हुई,
ये कैसा, इस दफा ज्यादा था कम था? मुझे लगता है एंड में एक साथ ही हो गई है तो इसलिए लग रहा है ज्यादा ज्यादा, वरना हर साल ही हो रही होती थी। असल में गर्मी है ज्यादा, तो गर्मी की लोग इफ्तार पे नहीं आ पा रहे, इफ्तारी पे नहीं आ रहे, रमजान ट्रांसमिशन कोई ड्रामे की शूट वगैरह वगैरह तो सहरी पे आ ही जाते हैं। पर सहूर हमने कब से बोलना शुरू करके सहरी, ठीक है मुझे तो दुबई से आदत लगी थी। आप तो वहाँ की ना, हम तो लोकल है, आके कराची आई लोकल टोटली सहरी। बहुत मजे की पार्टी, बहुत मजा आया, ईद की खुशियां दुबाला हो गई और अब मैं चाह रही हूँ कि हम घर जाएं। हाय, मैं फैसल फैसल कर रही हूँ, फैसल यहाँ खड़े हैं। सारा माल लगा हुआ जब है। फैसल आप दो बहुत ही कमाल सिंगर्स के साथ खड़े हैं, टीपू के साथ और बजी के साथ, ठीक है? होए होए होए। अच्छा, आपको भी शौक है शौक है इन दोनों को और हम सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं, आप मुझे गाना कब सुनाएंगे? बिल्कुल जब आप कहेंगे, बैठते हैं किसी दिन और कुछ महफिल करते हैं। ये देखें YouTube और चैनल्स भी चल रहे हैं साथ साथ। तुम्हारा चैनल कहाँ है अंबर? ये इसका भी चैनल है, ये अंबर का चैनल है। हेलो अंबर का चैनल, हेलो अंबर का चैनल, सब्सक्राइब टू अंबर चैनल, सब्सक्राइब टू फैसल, हेलो फैसल चैनल, फैसल सब्सक्राइब कर ले प्लीज। आप सब यहां तस्वीर, मेरे साथ कोई तस्वीर नहीं हुई अभी तक, देखा? चलें ओके ओके, मैं पिक्चर लेती हूं। चलो मेरे साथ ही घर आओ, याद। किससे बात कर रही हो? आपसे मुझे लगा अंबर से कह रहे हैं, मुझे लगा अंबर से कह रहे हैं। हम अंबर की तरफ देख रहे थे पहले की तस्वीर में, ये तो देख रहे थे, हम खींच लेते हैं आपकी तस्वीर। मैंने कहा शायद इनसे कह रहे हैं फ्रेंड्स से कि भाई तस्वीर नहीं खिंचाई। वैसे मुझसे नाराज है आप? अच्छा फिर, तुम्हारे कर दिया कैसा हो सकता है? वैसे तारों की महफिल में मैं कुछ खो सी गई। नहीं तुम दरअसल चाह रही, तुम अलग से लोग कम हो जाए। नहीं, मैं चाह रही थी अच्छी सी YouTube वीडियो बन जाए, मैं इसलिए इंटरव्यूज में लगी हुई थी, गपचप बातें, वीडियो अच्छी बने। लेकिन अब YouTube वीडियो बनानी होती है तो फोकस करना पड़ता है। नाज़रीन, यहाँ दो दो YouTube चैनल चल रहे हैं, ये होता है। अच्छा, जवेरियाँ हो, मैं निदा अंबर, हम जहाँ होते हैं ना वैसा कैमरा चल रहा होता है। एंड द होस्ट, द ब्यूटीफुल होस्ट, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी, लवली लवली पार्टी, ऑलवेज देयर, कोई नखरे दिखाता हर वक्त तैयार होता है। हां, क्या क्या तुम हो नाज़िया मलिक, अपने जितने भी हैं ना, ये ईमान से इतना वेलकमिंग कर रहे होते हैं वीडियो बनाने के लिए, आई रियली अप्रिशिएट दैट। मैं ये नहीं कि यार क्यों बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, बस नादे तो कह रही थी बनाओ, नाज़िया मलिक कहती है ऐसे करो ऐसे करो, यू नो। मैं तो अब ऐसे लोगों से मिलना ही छोड़ दिया जिनको तकलीफ हो कि वीडियो क्यों बन रही है। अच्छी बात है, फ्रेंड्स आपस में एंजॉय कर रहे हैं, बस हम घर पे रख रहे हैं एक जबरदस्त सी अपनी गर्ल्स नाइट, ओके, हल्ला गुल्ला करेंगे, बातचीत करेंगे व्यूअर्स को और बाकी। और बहुत जरूरी है, थेरेपी होती है गर्ल्स कि मिले, साथ में बातें करें, डांस करें, लड़कियां एंजॉय करें, कोई बॉय ना हो। यस डन है, बॉय तो घर छोड़ गए, बॉय का क्या करूंगी मैं, इस बॉय का क्या करूं। हमारी जब गर्ल्स पार्टी भी होती है ना, मुझे बहुत लेट मिले यार, छोड़ नहीं सकती, एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकती। मिला रही हूँ आपको डायरेक्टर से जिन्होंने वो ड्रामा बना दिया जो कि दुनिया में इसने तहलका मचा दिया है और वहाज उससे द वहाज बन गए हैं, सिराजुल हक से मिला रही हूँ। खुशी हुई सर मिलके, अस्सलाम वालेकुम। सर वहाज तो बहुत अच्छे से एक्टिंग कर रहा है, बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन इस दफ़ा तेरे बिन में जो ये इतना बड़ा स्टार बना है, उसकी क्या वजह? तेरे बिन में वहाज और यमुना की जो आपस में केमिस्ट्री थी इस स्टोरी को लेके, और ये दोनों कैरेक्टर मीरा एंड मुर्तसम, इन दोनों का जो आपस में एक डायरेक्शन था, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे लगा कि इन दोनों में बहुत अच्छा गेम है और बहुत अच्छे सीन्स हैं, तो आई पिक देम। आपने उसको बताया कि ऐसे एक्सप्रेशन रखो, ऐसे वॉक करना,
हाँ हाँ कुछ स्टार्ट में देखें, जब आपको कैरेक्टर बनाना होता है तो आप ज़ाहिर ही आप कोशिश करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने की। तो हमने बहुत सारे इस तरह एक्सपेरिमेंट्स भी किए, हमने ड्रेसेस भी पहने डिफरेंट तरह के, कभी शॉल जैकेट्स, लेकिन ओवरऑल वहाज भी खुद कैरेक्टर पर काफ़ी मेहनत की है। नो डाउट शुरू से ही डे वन से ही वॉज इन टू द कैरेक्टर। हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिसके साथ सीरियल कह रहे हो हीरो इन्वेस्ट देयर इमोशनल एनर्जी इन टू द प्रोजेक्ट एंड दे डिड, और वो ऑडियंस को नज़र आ रही है, ऑडियंस पसंद कर रहे हैं। शूट बहुत अच्छा हुआ। मुझे दो तीन अमेजिंग क्वेश्चंस जो मेरे अजीब अजीब है। एक तो ये यमुना जो है उसका जो कैरेक्टर है, सब यमुना के फैंस बहुत पहले से हैं, ठीक है, लेकिन हमें फिर भी यमुना से के कैरेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, कैरेक्टर से इरिटेशन हो रही है कि वो क्या मसला है उसको, उसको बाहर पसंद नहीं आ रहा, दुनिया को पसंद आ रहा है, तो वो कैसी हरकतें क्यों कर रही है, वो क्यों मिल रही है लड़के से, यानी हस्बैंड नाराज रहती है, उसको क्या प्रॉब्लम है, नहीं स्क्रिप्ट में सच प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्या उसका मसला, उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई, तो उसने एक उसके अंदर अपने अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी बना ली, और फिर उस वही बेसिकली ड्राइविंग फोर्स है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में वो मूव फॉरवर्ड होती जाती है। इट्स लाइक दैट। उसने अंगूठी कैसे पहनाने दी उसको, पहले इतना अच्छा बोली यमुना कि भाई नहीं तो शादी की तुम कच्ची पक्की बात कर रहे हो, और फिर उसने अंगूठी पहनवा दी करके। अच्छा वो सीन मैं तो बहुत बारीकी से देखा सर, आपको भी नहीं याद होगा जो मैंने देखा है। अच्छा, मैं देख चुकी हूँ ना, और हम जो जजेस देख चुके हैं, क्यों बूटी बना। देखिए जब एक आपको जब स्टोरी एक पैरल चल रही होती है बी प्लॉट में, जब भी कोई ऐसी चीज़ें आती हैं तो आप उसको थोड़ा एक्स्ट्रा विगेंस भी दिखाते हैं, राधर देन नॉट के वेरी इन्फॉर्मेटिव एक्स्ट्रा विगेंस आप जाते हैं कि समथिंग इज हैपेंड के जिस पे बात हो, थोड़ा सा कोई वो सच्चा नहीं, वो बड़ा अच्छा ट्विस्ट है। हाँ। जो आ गया ना विलन, अब उसकी बहन के साथ हमने कहा ऊपर आ भी क्या घर के अंदर, फ्रैंकनेस देखो, लड़कियां उनके घर की कहीं बाहर शादी नहीं कर सकती लेकिन लड़का घर में आ गया, ये भी ट्विस्ट है। देखो एक आदमी ऑलरेडी प्लान करके बैठा हुआ है कि उसने क्या करना है, तो जो बंदा प्लान करेगा वो उसके लिए बहुत सारी कोशिशें करता है डिफरेंट तरीके से उसने कर, तो ये जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा हम सबके पेट में दर्द है, प्लीज बताएं यमुना कॉन्ट्रैक्ट कब फड़ेगा, ये कब जो है ना ये वॉचिंग है, मैं कैसे बता लूँ, नहीं वेट करना पड़ेगा, और हम बता नहीं सकते क्योंकि अभी एपिसोड्स चल रही हैं, तो ऑडियंस का इंटरेस्ट उसी में ही है, तो वी वांट टू कीप हुक ऑन द इंटरेस्ट। ये तो है। अच्छा सम सीन्स जब लोग कहते हैं कि जी ये कहीं से इंस्पायर्ड थे, क्या ऐसा है स्विमिंग पूल वाला सीन और ये, या ये प्योर कोइंसिडेंस? नहीं नहीं ये प्योर कोइंसिडेंस, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी और ड्रामे से इंस्पायर्ड नहीं है। और क्या गाना भी 6 मिनट का इन्होंने पता क्या दिखाया है, ये वो कंबल फेंक रहा है उसने ऐसे कैच कर 6 मिनट गाना चला, क्या होती है बेवफाई तुझे करके बताऊं। देखिए ना यही तो मोमेंटम है ना कैरेक्टर भाई की डायरेक्शन, तो 6 मिनट इन्होंने निकाल दिए उसने, और वो देख रहा है और ये दुनिया इतने अच्छे लग रहे हैं उसमें हीरो हीरोइन, सो दैट इज सो ब्यूटीफुल शॉट, जब भी गाना आता है जो आप रोमांटिक फील कर रहे हैं ना, ब्यूटीफुल। सो हियर इज द मास्टर बिहाइंड तेरे बिन द डायरेक्टर, और आपके लिए सब बहुत बहुत सारी मुबारकबाद, रिस्पेक्ट एट इंटरनेशनली, मेरे व्यूअर्स इंटरनेशनल बहुत हैं, ही इज द पर्सन, सर डायरेक्टर होता है, सर डायरेक्टर होता है, बात करता है, थैंक यू वेरी मच डायरेक्टर फॉर योर वेरी एप्रिसिएशन फॉर तेरे बिन, और मेरे ऑडियंस का जो आपके भी ऑडियंस देखने वाले उनका भी शुक्रिया जो तेरे बिन को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, और यमुना वहाज उनकी केमिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, सारे ऑडियंस सीरियसली जो मिलियंस मिलियंस में व्यूज दे रहे हैं यूट्यूब पे दुनिया भर में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, इंडिया में बहुत देख रहे हैं, और दुनिया भर में जितनी इज्जत हो रही है पाकिस्तानी ड्रामे की, माशाल्लाह द कैप्टन ऑफ द यूट्यूब ट्रेन करता है, थैंक यू वेरी मच ऑडियंस, जितनी भी यमुना के कैरेक्टर गलतियाँ करें हमें फिर भी बहुत मजा आ रहा है, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है ये लविंग द ड्रामा माशाल्लाह तेरे बिन के डायरेक्टर सर, आपने देखा इसका हीरो हीरो बिल्कुल क्या आपको लाइन बोल के बताओ, मेरे मुझे तो याद है, बोल के बताओ, खैर करे बोलो वो क्या हुआ, लाइन नहीं बोल सकते, टू चुई फाउंड डेड इन जट हाउस, आप कह सकते हैं आप वो डांस कर सकते हैं, डांस था कोई, टू चुई फाउंड डेड इन
जट हाउस। अच्छा वो कर देना, वो अब्बा गालियाँ क्यों दे रहे हैं? अब गालियाँ क्यों निकाल रहे? आई लव इट, थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत ऐसे ऐसे जुमले आप बार बार सुनते हैं, बार बार वो डांस तो कहीं कोने में तो करना ही है, वो मैं वायरल करूंगा। इतना अच्छा बाप देख रहे हैं ना, और वो लगा हुआ अपने ऐसे ना, इतना जबरदस्त डांस है ना वो। मतलब अब्बा जी देख रहे हैं पीछे से कि लड़के को होया क्या है, वो क्यों डांस किया था वो वाला? दरअसल क्योंकि हीरो का पहले भी एक दफा दिल टूट चुका है, तो उसने कहा खुशी भी गमगीन गाने में मनाई जाए, उसका रोमांटिक डांस था सैड गाने पे, है ना? और वो गाना मैंने सुना भी बहुत हुआ। अच्छा मैं वेट कर रही, तुमने मुझे बताया था देखना ना 22वें एपिसोड में, तो मैंने कहा आएगा पता नहीं कब, देखा सस के मैं 10 दफा रिवाइंड कर दिया। वो बहुत फनी, बहुत फनी डांस है। मैंने दिखाया इनका, मैंने कितना नाम लिया ड्रामे में जब इनका मैंने वो गाना गाया ब्राजी का, मैंने कहा मुझे वो सीनेज में कहता हूं कि आवाज है मजी फारूक की, ये है मजी फारूक की, वो ये बाजी वो तुम ने रूपोज का आया था ना, फिर मैंने हम राजी मुझे गन किया ना कि इधर मारो, वो अभी तो शुरुआत हुई है। अच्छा हाथ कहाँ जला था? ये अभी तक नहीं, ये देखो ये वो हाथ जला था, आय हाय दुपट्टे से, वो तो सिंथेटिक दुपट्टा था चिपका, असली शूट में, शूट में दुपट्टा लड़की का जल रहा है तो ये हीरो ने पकड़ लिया। समोसे वाला लो यहाँ से, मेरी खाल, जब मैंने दुपट्टा उतारा है तो मेरी खाल उतरी है, ये 3 महीने पहले का निशान। अच्छा मुझे लगा 3 महीने से यार नकली करते हम। अच्छा उसने कहा था मैं बाल बाल कटवा रहा हूँ, बातें कटवा लिए ना? जैकेट क्या जैकेट ले आए हैं, संभाल लिया मैंने। वो जैकेट तो ऑक्शन होगी भाई, वो तारीखी है, मेरा ख्याल है मुझे अपने पास रखनी चाहिए। और वो जो शर्ट है अंदर अच्छी बनी है, वो जैकेट सच्ची है, रखने वाली बनी तो है। ऐसे अच्छे इस दफा वो उनका था वसीम अब्बास का भी बड़ा मजे का था ना, क्या बोलते हैं बड़ा वाला मेडिकल स्टोर, बहुत ही मजे अपनी, वो कोई ये अंग्रेजी है किसी, वो ऑक्सफोर्ड के साथ वाले है ना, वो मैंने इतनी दफा मुझसे याद नहीं हुआ मेडिकल स्टोर, ये पता चलता है एंड में कह रहे हैं मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर, दैट वाज सो नाइस। ने जुमले इकोनॉमिक्स का लेक्चर बहुत मजे का था, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पता नहीं क्या, वो बड़ा मुश्किल सीन था है ना, वो था उधर ही तो फीलिंग आती है। और एक ड्रामा जिसमें आपको पता होगा आप थोड़ा सा ओवर द बोर्ड जा रहे हैं, घर से सोच के गए हो, ये ड्रामा है सोचा ही हमने ओवर द बोर्ड था। अच्छी कॉल लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी इन ड्रामे में, जो मेरी बड़ी फेवरेट है फैसल, सुनने क्या है, बाप कहता है कि मेरी बेटी के साथ पार्क में घूम रहा था, तो रैम्बो कहता है कि लोग अपने कुत्तों के साथ भी तो पार्क जाते हैं, तो उनका क्या चक्कर होता है आपस में, उनका क्यों उसमें गहराई थी कुत्तों के साथ जाते हैं तो क्या उनका भी चक्कर होगा आपस में, जरूरी है कि उनका ऐसा ही है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको इतना पसंद आया। इतना मुझे शुरू में नहीं पसंद आया था, मुझे थोड़ा बाद में पसंद आया, और इतना पसंद आया शुरू के एपिसोड्स आई थॉट वर ओवर थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे अमर और इमरान का ट्रैक आई थिंक ज्यादा करीब आया ना, जब आपकी इंटरेक्शन शुरू हुई उधर से बहुत मजा आया। पब्लिश कर रहे होंगे अभी शुरू में, कैरेक्टर्स को टाइम लगता है। मुझे भी ज्यादा अच्छा छट्टी से लगा। अब लाहौर के बाद कराची कैसा लग रहा है? इतना साल रहा हूँ यहाँ इस शहर में, सब कुछ हुआ है तो घर वापस आया हूँ, घर यही है ना छोटा सा। अच्छा मुझे प्लीज रिक्वेस्ट, मुझे वो डांस सिखा दो, वो मैं आपको सिखाऊंगा। इतना मैं एंजॉय कर रही हूँ, आप मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपको पसंद आ रहा है, मैं दिल से पसंद आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पसंद, हमें भी वो याद है ना 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 सोचना भी नहीं यार, हो गया घर वालों से पूछ ले, अम्मी को मना लेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे। जादू ये होता है कि इनके अब्बा जो है ना आप इनसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। नहीं नहीं वो करते अभी
कैसे बनाएंगे ये बताएं। हाँ आज तो मैं हील भी नहीं पहनी, आज तो बहुत मुश्किल हो रही है भाई। नहीं नहीं अच्छा अच्छा नहीं सही लग रहा है। वेरी नाइस स्टाइल थोड़ा चेंज किया मैं आज, कुछ डिफरेंट ड्रेसअप हो रहा है। अच्छा लग रहा है। एवरी डे कुछ ना कुछ चेंज होता है। आपने दिलाए गए थे उनको दिखाया नहीं था, ये अच्छा लगा। या उनको लाल कपड़े पसंद आते हैं, मुझे रेड ज़्यादा लगता है। अच्छा अच्छा चलिए, फैसल भाई का फेवरेट कलर क्या है? नहीं मरून, मरून नहीं सच्ची बताए। लॉन्ग में मुझे इस तरह के डार्क कलर अच्छे लगते हैं। ब्राउन भी नहीं पसंद, कलर्स का नहीं मैं इनसे कहती हूँ, कोई नहीं। चलिए एक दिन हम एक दावत रखें जिसमें हमें मरून पहनना है। अच्छी नहीं लगी, मैं सूट नहीं करूँ। पता है उसमें आपने बिल्कुल ग्लॉस लगाना है लिपस्टिक और बस। कपड़े ट्राई किए मरून, कोई नहीं सूट किया। जी बताओ ना, लोग आपको क्या ताना देते हैं बार बार? मुझे लोग ये कहते हैं कि आप डॉक्टर हैं कि अदाकारा हैं, तो मैं उनको ये कहती हूँ। ये सवाल है या ताना है? ये ताना है। जब भी मैं टीवी पे होती हूँ लोग मुझे ये कहते हैं कि आप डॉक्टर हैं कि अदाकारा हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि मैं अदाकारा हूँ, उनको उस अदाकारी में फिट करने वाली डॉक्टर हूँ। बहुत ज़्यादा इतनी गहरी कि डूब गई मैं, और मेरे साथ है नाजिया। मेरा भी मेकअप कैसा लग रहा है? मेरा क्रीम, मेरा तो क्रीम शेड है एक लगाया टो करके। ये नेचुरली जो है ना, ये नेचुरल मेकअप है। तुम आगे दिखाओ, ड्रामेटिक लड़का है ना, मुझे बहुत पसंद। ये मेरा दिल है कि मैं इससे शादी करा दूँ। बात करो, अभी बात करो, प्लीज़ आप बात करें। आई वांट टू मैरी हिम। सुनिए आई मैं ट्राई करूँ। एक दोस्त है वो आपको बहुत पसंद करती है, दिल ही दिल में। दिल ही दिल में आपको कह नहीं पा रही। मैंने कहा आप लिखो भाई कैसे हैं। माय फ्रेंड अभी नहीं मिलने नादिया, वो बाहर नहीं, वो यहाँ है, यही है, वो यही है। सुनिए यहाँ आपको किस किस्म की लड़की पसंद है? आप किस किस्म की? देखिए फीलिंग पक्की बात करेंगे ना? जी 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 पता नहीं तुमने क्यों बात कर दी नाजिया से। मैं कॉन्शियस हो गई हूँ, नहीं वैसे ही मजाक कर रही है। रीमेकिंग चल रही है। कपल के अंदर हमेशा फीलिंग वो होनी चाहिए कि आपको ये लगे कि आई बिलोंग टू यू। कपल में हमेशा ये फीलिंग होनी चाहिए कि आई एम सिंगल, विल यू मैरी मी। मैंने भी ये होनी चाहिए। ये क्या होगी मुश्किल बात है? नहीं हर कपल में एक दूसरे के लिए फीलिंग होनी चाहिए कि आई एम सिंगल, विल यू मैरी मी। रोज एक दूसरे को प्रपोज करेंगे।